अरे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर 2a+b एंड a-b 3b एक्सटर्नली इन द रेशो 1:2। हमारे पास पॉइंट दिए हुए पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर 2a+b है, 2a+b, और इसका पोजीशन वेक्टर a-3b है। आर जो है इसको एक्सटर्नली 1:2 में, लेट दिस इज आर, तो एक्सटर्नली 1:2 में डिवाइड करता है। सॉल्यूशन देखें, लेट आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन 1:2 रेशो, देन पोजिशन वेक्टर ओ आर क्या बनेगा, 1:1 ओ क्यू, 1:1 ओ क्यू माइनस 2:2 ओ पी, सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं हम किसका, एक्सटर्नली का, डिवाइडेड बाई 1-2। तो ओ आर 1:2 ओ क्यू, 1:2 ए -3b -2:2a+b डिवाइडेड बाई 1/-2, दैट इज -1। सो a-3b -4a माइनस का 2b डिवाइडेड बाई -1, a-3b -4a दैट इज -3a -5b डिवाइडेड बाई -1, माइनस कैंसिल हो जाएगा 3a+5b, दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ आर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे और भी बताना है, आल्सो शो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, आर क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो ओ पी अगर मैं निकालूँ, ओ पी क्या हो जाएगा, ओ आर, ओ आर प्लस ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लें हम, ओ आर हमारे पास बन गया 3a+5b, ओ क्यू a-3b डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू बन गई 3a, a दैट इज 4a, 5b माइनस दैट इज प्लस का 2b डिवाइडेड बाई 2, 2a+b। ओ पी हमारे पास क्या था, 2a+b, 2a+b विच इज ट्रू, सो पी इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अगर मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूँ और इसमें हम दो वेक्टर ए और बी लेते हैं, तो हमने निकाला था डायगोनल, पैरेललोग्राम ला, यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा दिस इज a+b, ये बी है तो a+b हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें, लेट ए वेक्टर मैंने मान लिया 2i-4j+5k एंड बी ये हो गया i-2j-3k, देन पैरेलल डायगोनल, डायगोनल को हम सी वेक्टर से मान लेते हैं, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा a+b, दैट इज 2i-4j
प्लस फाइव के एंड प्लस का आई माइनस टू जे माइनस का थ्री के, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, थ्री आई माइनस का सिक्स जे एंड प्लस का टू के। ठीक है, अब हमने क्या निकाला इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि फाइंड आउट तो हमने यूनिट वेक्टर करना है, तो मैग्नीट्यूड निकाले इसका, थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, दैट मीन्स नाइन प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर, तो ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 49, दैट इज रूट ऑफ 49 विच इज 7 हो गया। सो यूनिट वेक्टर सी डिवाइडेड बाई सी का मैग्नीट्यूड, 3i माइनस 6j प्लस का 2k डिवाइडेड बाई 7, और वी कैन राइट 3 बाई 7i माइनस 6 बाई 7j प्लस का 2 बाई 7k। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज ए क्रॉस बी, जिसका मैग्नीट्यूड लेना, तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे क्या बन जाएगा, आई जे के, टू माइनस फोर फाइव एंड वन माइनस टू माइनस थ्री, इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या बन जाएगी, प्लस का 12 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 10 बन जाएगा, माइनस जे इंटू दिस इज माइनस सिक्स माइनस फाइव प्लस के इंटू ये वैल्यू जाएगी माइनस का 4 एंड माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इज 22i माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11j एंड प्लस का 0k हो गया। सो एरिया जो बनेगा, एरिया इज ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3, इनकी वैल्यू प्लस का 12 प्लस का 10 22, ये वैल्यू माइनस 6 माइनस 5 ठीक है, एंड दिस माइनस 4 प्लस का 4, एरिया हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स 22 का स्क्वायर एंड प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 484 प्लस 121 5 8 2 10 4 1 5 6 605, और अगर हम 11 इंटू 11 11 से मैं डिवाइड करता हूँ 5 5, तो वी कैन से 11 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है, 11 रूट 5 यूनिट्स आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 इक्वली इंक्लाइंड है, लेट वेक्टर इंक्लाइंड टू एक्सिस एट अल्फा एंगल, देन डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, एल हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, एम हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, एंड एन वो भी हमारे पास इक्वली है तो कोस अल्फा, आल्सो एज वी नो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, तो कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 3 कोस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, सो कोस अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1/√3, माइनस में हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने लेना है, सो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 सभी के सभी, सो L इज इक्वल टू 1/√3, एम इज इक्वल टू हमारे पास 1/√3 हो गया, एंड N इज इक्वल टू 1/√3, यही हमने प्रूव करना था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
लेट ए वेक्टर आई प्लस फोर जे प्लस टू के, बी थ्री आई माइनस टू जे प्लस सेवन के, एंड सी वेक्टर टू आई माइनस जे प्लस फोर के. फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15. सॉल्यूशन देखें, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है आई प्लस फोर जे प्लस का टू के, बी वेक्टर हमारा है 3i माइनस 2j प्लस का 7k, एंड c वेक्टर दिस इज 2i माइनस j प्लस का 4k. लेट d वेक्टर हम मान लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk. अब इन्होंने बोला है d इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, एज a इज परपेंडिकुलर टू d. दिस इम्प्लाइज ए डॉट डी इज जीरो हो जाएगा. ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट हमारा डॉट प्रोडक्ट है परपेंडिकुलर में जीरो होता है. मीन्स ए वन क्या होता था, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री की वैल्यू किसके इक्वल, जीरो के. सो यहाँ पे वन इंटू एक्स, सो एक्स प्लस का फोर वाई प्लस का टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर वन होगी. आल्सो बी इज परपेंडिकुलर टू डी, दिस इम्प्लाइज बी डॉट डी ये भी क्या हो जाएगा, जीरो. बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा, थ्री एक्स माइनस का थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस टू वाई एंड प्लस का सेवन जेड, सेवन जेड इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या होगी, टू होगी. सी डॉट डी 15 दिखाया हुआ है, सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स टू एक्स माइनस वाई एंड प्लस का फोर जेड, प्लस का फोर जेड दैट इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर थ्री. अब हमने इन तीन इक्वेशन से x, y, z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. अगर मैं पहली इक्वेशन को एज इट इज लिख देता हूँ, x प्लस फोर वाई प्लस का टू जेड इज इक्वल टू जीरो, इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेकेंड को टू इंटू सेकेंड इक्वेशन, तो ये बन जाएगा हमारा 6x माइनस का 4y एंड प्लस का 14z इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से ऐड करने से हमारे पास ये बन गया 7x, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 16z इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर हमने मान ली फोर्थ इक्वेशन. अब यहाँ से भी हम पहले और इससे ख़त्म करना चाहेंगे, किसको, y को ख़त्म करना चाहेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी, x प्लस का 4y प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू टू 8x माइनस का 4y एंड प्लस का 16z इज इक्वल टू 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो गया. यहाँ पे भी ऐड करते हैं, दिस इज 9x प्लस का 18z इज इक्वल टू 60, 9x प्लस 18z इज इक्वल टू 60. और अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो x प्लस 2z इज इक्वल टू 60 अपॉन 9, दैट मीन्स 20 अपॉन 3, x प्लस 2z इज इक्वल टू 20 अपॉन 3. इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी होगी, 5. यहाँ पे है हमारे पास 7x प्लस 16z इज इक्वल टू 0, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7x प्लस का 14z इज इक्वल टू, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, 140 अपॉन 3 हो गया, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसल, 16 माइनस 14 2z इज इक्वल टू माइनस 140 अपॉन 3, 2 से कैंसिल करेंगे तो z की वैल्यू माइनस 70 अपॉन 3 हो गया, z इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन 3 हो गया. अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सो x प्लस 2z की वैल्यू माइनस 140 अपॉन 3 था, या इसमें वैल्यू पुट कर दें या इसमें पुट कर देते हैं, x प्लस 2z की जगह मैं डायरेक्ट माइनस 140 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू किसके, 20 अपॉन
3 के इक्वल पुट करा, उधर जाके प्लस हो जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस का 140 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 160। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 160 अपॉन 3 हो गया। किसी एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और जेड की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन वन एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 160 अपॉन 3 प्लस वाई हमारा है 4y प्लस 2z, 2z की वैल्यू हमारे पास माइनस 140 अपॉन 3 था, 140 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। सो 4y इज इक्वल टू 140 अपॉन 3 माइनस 160 अपॉन 3, दैट मीन्स एलसीएम 3 हो गया माइनस 20 अपॉन 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे माइनस 5 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास x, y, z सभी की वैल्यू आ गई। सो डी वेक्टर जो हमारा बना दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के है। एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 160 अपॉन 3i, वाई की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 3j एंड माइनस का 70 अपॉन 3k इज योअर डी वेक्टर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।